नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल फाइल्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जीमेल हैकिंग से कैसे बच सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलेगा, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी वीडियो, और कम्प्लीटली मैं शुरू से अंत तक बता दूंगा कि अपना जीमेल प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, जो लोग मतलब थर्ड पार्टी सन ऐप यूज कर सकते करते हैं, जैसे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आप कोई गेम या फिर कोई ऐप, जैसे मान लीजिए टेक्स्ट एडिटर कुछ आप यूज करें, या फिर फेसबुक का ऑटो एडिटर या ऑटो लाइकर यूज करें, तो वहाँ पे आपको एक परमिशन मांगता होगा, अलाउ अलाउ अलाउ। तो आप इसको कर देते हैं तो आप नहीं समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या, क्योंकि वो परमिशन मांग रहा है आपके कंटेक्ट, मीडिया, फोटोज, ये सब का, तो आप समझ नहीं पाते, उसको अलाउ कर दें। लेकिन क्या होता ना, अगला बंदा जो उसका डेवलपर, ऐप का डेवलपर रहता है, उसके पास आपका सब डाटा चला जाए। जैसे मेरा क्या है, jilabasti.com, ये मेरा खुद का सर्वर, तो जितने भी लोग मेरे से साइट बनवाए हैं, अगर एडमिन पैनल है उनके पास, अगर वो एडमिन पैनल में कुछ करते हैं तो डायरेक्ट टू डाटा बेस से, मतलब सर्वर से कनेक्ट रहता है, तो डायरेक्ट मेरे पास आ जाता है कि फला आदमी ये चीज़ चेंज किया है। सेम वही चीज़ आपका होगा, अगर आप ऐसा करते हैं, अलाउ अलाउ करते हैं, तो आपका डायरेक्ट, ये सीधी सी बात है, आपका मतलब आईडी पासवर्ड सब चीज़ उसके पास चला जाता है, और फिर यहाँ तक कि आपका डाटा भी चला जाएगा। तो घबराइए ना आप, मतलब इस चीज़ को इग्नोर जरूर कीजिए। अगर अलाउ कहीं ऑप्शन दे रहा है तो यार किस लिए परमिशन मांग रहा है वो, किस बात का परमिशन? अगर वो चीज़ अच्छी है तो कीजिए, अगर नहीं है तो बिल्कुल ना कीजिए। मैं तो यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अलाउ का ऑप्शन ही वही होता है। क्या होता ना कि आप थर्ड, क्या नाम है, वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं फिर अगले वीडियो में बता दूंगा कि कैसे क्या करते हैं। तो शुरू करते हैं जीमेल कैसे गया। और दोस्तों यार, वीडियो शेयर कर दिया करो यार, देख के तुम लोग इग्नोर कर देते हो, चैनल भी नहीं सब्सक्राइब करते। अब यार बताओ, मैं शुरुआत कर रहा हूँ, आप लोग मुझे पीछे छोड़ देना। आप लोग के उम्मीद से मेरा भी उम्मीद एकदम बढ़ता रहेगा, मोटिवेट होता रहेंगे और आगे वीडियो बनाते रहेंगे। तो सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जीमेल के बारे में। तो ओपन कर लेते हैं अपना मेल, कर देते हैं इस पे क्लिक। सो फाइनली इस पे कर दिए क्लिक। तो दोस्तों आ गए अपने अकाउंट पे, मतलब मैंने जो गूगल अकाउंट वहाँ पे मांगे, अगर वहाँ पे क्लिक करोगे तब तुरंत इस पे आओ, क्योंकि मेरे पास अगर और भी मेल है तो वो सब नहीं दिखाने के लिए मैंने इससे मतलब इस तरह किया। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा मैनेज योर डाटा पर्सनलाइजेशन। सो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिक्कत ना हो, कर देते हैं इस पे क्लिक। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अरे यार मैसेज मत करो, टेक द प्राइवेसी चेकअप, कर लेते हैं चेक। तो दोस्तों इन सब चीजों को ध्यान रखिए, ये सब ऑन होना चाहिए, आपका जरूरी ऑन होना चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये वॉइस पॉज करते हैं, कि मैं तो वॉइस से मतलब सर्च नहीं कर सकता। आते हैं यहाँ, और थोड़ा नीचे पॉज मतलब स्क्रॉल करेंगे तो वेब एप्लीकेशन, इसको भी ऑन रखना है। लोकेशन भी अगर ऑन ना होगा तो क्या, क्योंकि मैं पहले से सेट किया हूँ। यूट्यूब हिस्ट्री, इसको भी ऑन रखिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आपको दिखेगा, मैनेज योर एक्टिविटी कंट्रोल, ध्यान दीजिए इस चीज पर। यहाँ पे आपको वही चीज फिर देखने को लिए, लेकिन आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे। देखिए, इंक्लूड क्रोम हिस्ट्री एंड एक्टिविटी फ्रॉम साइट एप डिवाइस, इसको अगर आप ऑफ कर देंगे तो आपके लिए ये क्या होगा ना, सॉरी मेरा मेल दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप इसको मतलब ऑफ होगा आपके में, अगर उसको ऑफ है तो आप मत कीजिए, ऑन कर लीजिए। इसके लिए आपको फायदा क्या, अगर आप कोई सिक्योरिटी या फिर मतलब पासवर्ड भूल गए हैं तो इसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि मेरा पासवर्ड क्या था। उसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तो इसको आपको ऑन रखना है, लोकेशन हिस्ट्री भी ऑन रखना है, सेम वही नीचे चीज आ जाएगा, यूट्यूब हिस्ट्री वगैरह ये सब ऑन ही रखना है। बैक हो जाइए। अब यहाँ पे आपको दिखेगा थिंग्स योर क्रिएट डू, अब यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको भी वाल कर देना है, यहाँ पे क्लिक करें। ध्यान से देखिएगा वीडियो, वरना समझ में नहीं आएगा, बाद में मत बोलिए भाई। देखिए, अब मेरे मेल में ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो चीज दिख रहा है, ये इतना मेरे में मेल आया है। अब यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा, गो टू जीमेल में आप जा सकते हैं। सो मैं जीमेल में जाऊँगा, और देखिए मेरा है इस पे, क्या नाम है, ये चीज बना है, यूसीएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो, अमन मिक्सिंग पॉइंट, ये गूगल मैप पे मैं इस पे बनाया हूँ। आगे वेब एक्टिविटी, इस चीज में मेरा ऑन है वेब एक्टिविटी, मेरा मेल दिख रहा है आपको, एडसेंस, मैं गूगल एडसेंस इसी पे चला रहा हूँ, एनालिटिक,
ये भी इसी पे है, गूगल से ही संबंधित है, jilabasti.com। एंड्रॉयड 3 डिवाइस में लॉगिन। अब देखते हैं कौन सा डिवाइस मेरे को लॉगिन किया। तो रेडमी Y3 मेरा ही फ़ोन है, सैमसंग SM मेरा ही फ़ोन है, एक्समी Redmi 4A ये भी मेरा पहले का फ़ोन था। तो डिलीट बैकअप डाटा अगर कर देंगे, इसको आप ज़रूर करिए, अगर आप इस चीज़ को कर देते हैं तो आपका जो डाटा रहेगा, मतलब और अदर मोबाइल में जो लॉगिन रहेगा, वो सब डिलीट हो जाएगा। सो इस चीज़ को भी आप कर सकते हैं, बहुत ही मतलब करें, क्योंकि इसमें आपके मोबाइल छोड़कर वो बंदे, मतलब ये गूगल वाला अगला मोबाइल वाले का सब डाटा डिलीट कर देगा। ब्लॉगर भी मैंने बनाया है, कैलेंडर वगैरह सब, क्रोम में जो मेरी हिस्ट्री हुई चीज़ को नहीं दिखाएंगे, चलो दिखा देखने। 94 स्मार्ट लॉक पासवर्ड, मतलब मेरे में इस मेल को, इस मेल में मतलब 94 पासवर्ड लगे हैं, मतलब 94 बोले तो सीधी सी बात है, मतलब मेरा जितना भी डाटा है सब इसी में। कॉन्टैक्ट 324 कॉन्टैक्ट है मेरे, मतलब फ़ोन नंबर। ड्राइव में मेरे काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ वगैरह हैं, मतलब इंपॉर्टेंट मेल है, और इसमें तो आपको दिखाई दिया। ऐप देख लीजिए, ये भी मेन चीज़ है, आप कितने ऐप लॉगिन किए हैं और मतलब कितने ऐप मतलब इंस्टॉल किए हैं, सब कुछ दिखाए। पेमेंट ये भी मेरा वही है। फोटोज देख लीजिए, 1900 कुछ फोटो हैं। सर्च कंसल में गूगल का सर्च कंसल DJ जलवा .in का लगाया था। यूट्यूब 39 वीडियो हैं, प्राइवेट कुछ नहीं है, वही है, 334 कमेंट है। सो आपको पूरा सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिल गया। अब यहाँ पे देख रहा है सिक्योरिटी चेकअप, प्राइवेसी चेकअप, माई एक्टिविटी, मैप्स, टाइमलाइन, एक्टिविटी कंट्रोल, डाउनलोड हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा मतलब मेल खतरे में है, डाटा डाउनलोड करना चाहे फटाक से कर लीजिए यहाँ से। तो आगे भी इस वीडियो के बारे में मैं चर्चा करूंगा इस चीज के बारे में। यहाँ से हो जाते हैं बैक। अब यहाँ पे आपको मेल दे रहा है 15 GB स्पेस, 15 GB स्पेस आप तो यूज नहीं, मैं तो 6% यूज करता हूँ भाई, 1.5 1.5 GB अभी और भी है, तो आप मैनेज स्टोरेज या फिर डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर डाउनलोड टू डाटा दे रहा है, मेक ए प्लान फॉर योर अकाउंट, अकाउंट के बारे में, डिलीट ए सर्विस योर गूगल अकाउंट। जो लोग सोचते हैं कि यार मैं सोच रहा हूँ मेल मेरा परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो इस चीज़ को क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड मांगेगा, एक्सेस कर दीजिए, डिलीट हो गया। अब लैंग्वेज वगैरह वही है, सर्च सेटिंग ये सब वही है, बिजनेस पर्सनल या ऑन है। और आते हैं सिक्योरिटी ऑप्शन में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टू स्टेप वेरिफिकेशन। देखिए पासवर्ड ये है, यहाँ से पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। आ जाता है टू स्टेप वेरिफिकेशन, इसको इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, इसको ऑन रखिएगा। अब बता भी दे रहे हैं कैसे किया जाता है, मेरा तो ऑफ कर देगा यार, सॉरी 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 सॉरी, मेरा उधर ऑफ कर देगा। ये आपको ऑन रखना है, मतलब जाके ऑन कर लेना है, कौन फोन कर रहा है यार, रुक जाओ। पासवर्ड्स को नॉन को सिक्योरिटी कोड, ये भी एक महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में कुछ लोग भी जानना चाहते हैं लेकिन बताया नहीं थे। तो सिक्योरिटी कोड के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, बहुत बड़ी वीडियो हो जा रही है दोस्तों। रिकवरी फोन, मेरा फोन नंबर भी देख लीजिए, 3734804834517। अरे यार जियो अभी मत दो यार, दीपावली ऑफर, मेरे पास बहुत ऑफर है। देखिए यहाँ पे एक और आ रहा है इंटरेस्टिंग चीज, रिकवरी मेल, इसको आप जरूर डालें। मैं तो नहीं डालूँ क्योंकि मेरे पास यार बहुत मेल हैं, तो रिकवरी मेल भी आप रिकमेंड करो, बहुत जरूर इसको डाल लीजिए। चेंज नेम, अब यहाँ पे दिखाया गया योर डिवाइस। देखिए मेरा क्या है ना, मेरा एक ही डिवाइस में लॉग इन, क्योंकि किसी कोई मेरा उड़ाया नहीं अभी तक। और Redmi 7 मेरे मतलब 7 Pro में लॉग इन है ये चीज। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी है विथ एक्सेस। अब ये लोग क्या नाम है, गाली नहीं देंगे ये चीज, मतलब मैं लॉग इन किया हूँ, प्रो साइट मैप हो गया, व्हाट्सएप मैसेंजर हो गया, थर्ड पार्टी सब कुछ देख लेते हैं यार यहीं से। प्रो साइट में मतलब साइट में मैं लगाया हूँ, व्हाट्सएप मैसेंजर मतलब ये चीज है, और टिकटॉक भी सिर्फ से बनाया हूँ, क्या करें बनाना पड़ता है, तो सब सब चीज़ें सिर्फ है। तो आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्या नाम है, अपना प्रोटेक्ट से मतलब सिक्योरिटी या पासवर्ड कैसे चेक कर सकते हो, कितने लोग लॉगिन है, कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं दूसरे मोबाइल, सब चीज़ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे क्या होता है।